Hello friends, I am Himachu, your tutor. Today we discuss chapter 3, the Delhi Sultanate from class 7, part 3. आज हम यहाँ पे class 7 की history का chapter 3 जो हमारा दिल्ली सल्तनत उसका part 3 discuss करेंगे. Okay? देखिए इस chapter के अंदर हम जो जो चीजें study कर चुके हैं वो है the attack of Muhammad Ghori, ये topic हम कर चुके हैं. उसके बाद the role of Salib dynasty, ये topic हम कर चुके हैं. आज हम study करेंगे यहाँ पे the Khilji dynasty, यानी Khilji dynasty को हम यहाँ पे study करेंगे. Okay? देखिए अब देखते हैं हम खिलजी डायनेस्टी के बारे में कौन कौन से किंगडम यहाँ पे या कौन कौन से किंग यहाँ पे हुए, रूलर्स हुए, सुल्तान हुए जिन्होंने यहाँ पे रूल किया. तो खिलजी डायनेस्टी के अंदर जो टाइम पीरियड है वो आपका 1292-1320 एडी, यानी 1290 से 1320 एडी तक. यहाँ के जो फेमस रूलर वो है जलालुद्दीन खिलजी आपके सबसे पहले, और एक है अलाउद्दीन खिलजी 1296-1316. ओके, तो ये दो सबसे फेमस रूलर हुए आपके किसके अंदर, खिलजी डायनेस्टीज के अंदर. देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं खिलजी डायनेस्टीज के, इसके जलालुद्दीन खिलजी के बारे में. 1290 से 1320 खिलजी डायनेस्टी आपकी रही है. ओके, डेथ ऑफ बलबन इन 1287 एडी, बलबन की डेथ हुई आपकी 1287 एडी के अंदर. उसके बाद क्या हुआ कि ग्रैंडसन कैकुबाद सक्सेडेड टू थ्रोन ए वीक रूलर. उसके बाद कौन बना, उनका जो पोता था ग्रैंडसन कैकुबाद वो वहां का रूलर बना दिल्ली सुल्तान, जो आपका काफी वीक रूलर था, यानी बहुत कमजोर आपका रूलर था. न्यू ग्रुप कॉल्ड खिलजी केम टू द पावर, इसका फायदा उठाकर एक नया ग्रुप जो था वहां पे पावर में आया जिसको बोला जाता है खिलजी डायनेस्टी. ओके, सबसे पहले जो रूलर हुए हैं वो आपके हैं जलालुद्दीन खिलजी 1292-1296 एडी, यानी 1290 से 1296 एडी तक, द फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी. इनको बोला जाता है फाउंडर खिलजी डायनेस्टी का. ओके, ये फर्स्ट रूलर थे आपके जलालुद्दीन खिलजी, किल्ड बाय हिज नेफ्यू अलाउद्दीन खिलजी. जलालुद्दीन खिलजी को मार दिया गया, किसके द्वारा इनको मारा गया, इनका जो नेफ्यू था भतीजा अलाउद्दीन खिलजी, उन्होंने इसको मार दिया. ओके, और खुद अपना दिल्ली सुल्तान बन गए. ठीक है, 1296-1316 एडी तक, यानी अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 एडी तक यहाँ पे दिल्ली सल्तनत के सुल्तान बने. देखिए एफिशियंट एंड कैपेबल रूलर बोथ एडमिनिस्ट्रेटिवली एंड मिलिट्रीली, यानी ये काफी एफिशियंट रूलर थे और कैपेबल रूलर थे दोनों तरह से. किस प्रकार, एडमिनिस्ट्रेटिवली एंड मिलिट्रीली, यानी प्रशासन चलाने में भी योग्य थे और सेना को लीडरशिप देने के लिए भी काफी योग्य थे, यानी कैपेबल रूलर्स माने जाते हैं अलाउद्दीन खिलजी. इनके टाइम पे दिल्ली सल्तनत का काफी सारा एक्सपेंड किया, यानी दिल्ली की जो टेरिटरीज इनको काफी दूर तक बढ़ाया और काफी सारे पार्ट्स रीजन जो है अलग अलग इन्होंने कॉन्क्वर्ड किया अपने टाइम पीरियड में, उनको दिल्ली में मिक्स किया. ओके, कॉन्क्विस्ट ऑफ गुजरात एक्सेस टू द पोर्ट और ओवरसीज थे, इन्होंने गुजरात को जीता, जिसको जीतने का रीजन क्या था कि एक्सेस टू पोर्ट्स, जो समुद्र के बंदरगाह थे उनको एक्सेस की मिली जा सके, और साथ में क्या है कि ओवरसीज ट्रेड जो होता है समुद्र पार वाला जो व्यापार होता है उस पर भी इनका कंट्रोल रहे इसके. ओके, अब देखो राजस्थान अंडर कंट्रोल ऑफ अलाउद्दीन, राजस्थान भी इनके अंडर में आता था अलाउद्दीन के कंट्रोल में. इनका एक कमांडर था मलिक कफूर, उनको भेजा गया साउथ इंडिया के अंदर. हिज कमांडर मलिक कफूर लीड टू कैंपेन्स इन साउथ इंडिया, दो कैंपेन्स किए उन्होंने साउथ इंडिया में, किस किस के अगेंस्ट, एक आपका वारंगल तेलंगाना में जो अब पड़ता है उसके अगेंस्ट, दूसरा मालाबार कर्नाटक एंड मदुरई तमिलनाडु के अगेंस्ट. ओके, तो ये दो कैंपेन्स किए गए मलिक कफूर के द्वारा, और किसके ऑर्डर पे, अलाउद्दीन खिलजी के ऑर्डर पे. फर्स्ट टाइम मुस्लिम आर्मी पेनिट्रेटेड एज फार एज मदुरई इन साउथ इंडिया, पहली बार ऐसा हुआ कि कोई मुस्लिम आर्मी आपकी साउथ इंडिया में जा पाई थी, पेनिट्रेट कर पाई थी, घुस पाई थी, और वो भी मदुरई तक. ओके, एंड ब्रॉट बैक अनटोल्ड वेल्थ, और वहां से काफी सारी धन संपदा ये वहां से वापिस लेकर आए अपने साथ. एंड बिल्ट न्यू फोर्ट रिपेयर्ड ओल्ड वंस अलोंग द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर्स, और अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया इसके साथ ही बेटा कि जो न्यू फोर्ट्स होते थे काफी नए नए किले बनवाए, साथ में जो पुराने जो किले हो चुके थे उनको रिपेयर करवाया नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर्स भी, यानी उत्तरी पूर्वी जो फ्रंटियर बॉर्डर पड़ता था उसके साथ साथ इन्होंने ये सब चीजें बनवाई. बिल्ट सिरी फोर्ट इन दिल्ली, सिरी फोर्ट के नाम से दिल्ली में एक किला बनाया गया टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम मंगोल इन्वेजन्स. ओके, मंगोल इन्वेजन्स से प्रोटेक्ट करने के लिए लोगों को. सिरी जो है कैपिटल थी आपकी खिलजीज की, यानी इसको कैपिटल बोला जाता है खिलजीज का सिरी. लार्ज रिजर्वर कॉल्ड होजखास, होजखास नाम से एक लार्ज वाटर रिजर्वर बनवाया गया, यानी एक तालाब बनवाया गया जिसके अंदर काफी सारा पानी स्टोर कर सकते थे, जिसको होजखास नाम दिया गया, जो आज भी दिल्ली में आपका है. ठीक है बेटा, इसके बाद देखिए नेक्स्ट मार्केट कंट्रोल पॉलिसी ऑफ अलाउद्दीन, यानी अब हम डिस्कस करते हैं अलाउद्दीन की मार्केट कंट्रोल पॉलिसी. हमने देखा था कि इसको एडमिनिस्ट्रेटिवली और मिलिट्रीली काफी कैपेबल रूलर माना जाता है, तो कैसे काम किए इसने, क्या क्या काम किए जिसकी वजह से इनको ऐसा कैपेबल माना जाता है. तो सबसे पहले बात करते हैं उनकी मार्केट पॉलिसी की. ठीक है, यानी बाजार नीति किस प्रकार की, किस प्रकार बाजार को वो मेंटेन करते थे. देखिए फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ ऑल कमोडिटीज, यानी जितनी भी कमोडिटीज थी उन सबकी कॉस्ट इन्होंने फिक्स कर दी. फूड ग्रेन्स, शुगर, कुकिंग ऑयल, नीडल, इंपोर्टेड क्लॉथ, हॉर्स एंड कैटल्स, यानी फूड ग्रेन से लेकर एक छोटी से छोटी सुई तक की हर चीज की कीमत इन्होंने तय कर दी कि इस कीमत से ज्यादा अब कोई भी सामान नहीं बेचेगा और ना ही उस कीमत से कम देगा.
अगर कोई ऐसा करता हुआ मिलता तो उसको हार्श पनिशमेंट दिया जाता है, बहुत ही हार्ड पनिशमेंट दिया जाता था। शॉपकीपर्स चार्ज ए हायर प्राइस और ट्राई टू चीट बाय यूजिंग फॉल्स वेट ऑन मेजर्स। अगर कोई ज्यादा प्राइस मांग रहा है या चीट कर आपके साथ फॉल्स वेट एंड मेजर्स में, ठीक है, यानी गलत तोल कर और माप के अगर कोई इस तरह का धोखाधड़ी करता हुआ शॉपकीपर मिल जाता तो उसको बहुत ही हार्ड पनिशमेंट इस टाइम पे दिया जाता था। इसके साथ ही क्या क्या कि इन्होंने थ्री मार्केट्स का सेटअप किया दिल्ली के अंदर, यानी तीन नई मार्केट्स बनाए, एक आपकी फॉर फूड ग्रेन्स अनाज के लिए, दूसरी कॉस्टली क्लोथ्स महंगे कपड़ों के लिए इंपोर्टेड सामान के लिए, और एक आपकी हॉर्सेस स्लेव एंड कैटल्स, ये एक आपकी बनाई पशु और गुलामों के लिए, ठीक है, हॉर्सेस घोड़ों के लिए, कैटल्स वगैरह जो आपके पालने वाले पशु होते हैं, दुधारू पशु या पालने वाले, ठीक है, उनके लिए इन्होंने मार्केट बनाई है। तीन मार्केट को इन्होंने दिल्ली में बनाया। ईच मार्केट अंडर द कंट्रोल ऑफ सहानाज, यानी हर मार्केट का एक ऑफिशियल इन्होंने ऑफिसर को नियुक्त किया जिसका नाम था सहाना, यानी सहाना की पोस्ट बनाई, वो जो ऑफिसर और कंट्रोल था इन प्राइसेस का। ओके, जो आपका सहानाज क्या होता था कि आपका प्राइस कंट्रोल करता था, इन मार्केट के ऊपर नजर रखता था। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। तो फर्स्ट दिल्ली सुल्तान थे जिन्होंने वेल इक्विप्ड आर्मी बनाई अपनी, यानी ये दिल्ली के पहले से सुल्तान थे जिनकी आर्मी वेल इक्विप्ड थी, जिनके पास हर तरह के इक्विपमेंट्स होते थे। ओके, पेड इन कैश, ये अपने जो सैनिक होते इनको कैश में पेड करते थे, गेव देम इंपोर्टेड हॉर्स, और उनको इंपोर्टेड किए हुए हॉर्स यानी ब्रांडेड जो हॉर्स बोलते हैं ना बाहर से लाए हुए, वो इनको देते थे अपनी सेना के लोगों को। डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच सोल्जर वाज कैप्ट, काल चेहरा, हर सोल्जर्स का अपना क्या है एक डिटेल डिस्क्रिप्शन रखा जाता है जिसको चेहरा बोलते हैं। कंस्ट्रक्टेड ए न्यू गैरिसन टाउन नेम्ड सीरी फॉर ईच सोल्जर, अपने सोल्जर्स के लिए उन्होंने एक न्यू गैरिसन छावनी टाउन बनाया जिसको सीरी के नाम से जाना जाता है। ओके, नीचे एक मैप दिया गया है जो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे जो इनकी मिलिट्री ने जगह जगह पे अटैक्स की, कैंपेन्स किए, उनके बारे में ये एरो लगा के आपको बताया गया कौन कौन सी जगह कौन से ईयर में इन्होंने अटैक किए, ठीक है। इसके अलावा हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि लैंड रिवेन्यू पॉलिसीज के बारे में, यानी जो भूमि कर जो बोलते हैं, जमीनी टैक्स जो होता है, जमीन के लिए जो टैक्स लिया जाता है, वो किस प्रकार की पॉलिसी देनी थी। देखो, ऑन द बेसिस ऑफ मेजरिंग अंडर द कल्टिवेशन, यानी लैंड जो था उसको मेजर किया गया अंडर कल्टिवेशन, यानी सॉरी एग्रीकल्चर के अंडर कितनी लैंड आती है उसके अकॉर्डिंग ये इन्होंने टैक्स फिक्स किया। ओके, रिच एंड पावरफुल कुड नॉट पास ऑन देयर बर्डन टू द पुअर। अब क्या था कि ये करने के बाद जो रिच होते थे और पावरफुल जो लोग होते वो अपना बर्डन जो है पुअर के ऊपर पास नहीं कर सकते थे टैक्स देने के लिए बर्डन। ओके, स्ट्रिक्ट वाच ऑन लोकल ऑफिसर्स, लोकल ऑफिसर्स पे स्ट्रिक्ट वाच रखी जाती थी, यानी ऊपर पैनी नजर बनाए रखते थे कि वो कोई भी गड़बड़ी ना करें, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल होते थे रिवेन्यू कलेक्शन के लिए, ठीक है, उनका काम होता था यहाँ पे टैक्स इकट्ठा करना, और अकाउंट्स वर चेक स्ट्रिक्टली, यानी अकाउंट्स जो रहते थे उनको भी बहुत जांच परख के चेक किया जाता था, यानी एक एक चीज को चेक किया जाता था अकाउंट्स, ताकि वहां भी कोई हेरा फेरी ना की जा सके। तो ये आपकी थी मार्केट पॉलिसी, मिलिट्री पॉलिसी एंड लैंड रिवेन्यू पॉलिसी ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। यानी खिलजी डायनेस्टी में हमने दो रूलर्स पढ़े, एक जलालुद्दीन खिलजी, एक अलाउद्दीन खिलजी, दो पावरफुल रूलर्स हुए आपके खिलजी डायनेस्टी के अंदर। ओके, इसी के साथ हमारा ये पार्ट समाप्त होता है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।